पाकिस्तान डज नॉट नीड मोर प्रॉब्लम्स, ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो इस बीच में अगर लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है आजू जी, फिर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी पाकिस्तान का, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चाइना के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं बांग्लादेश में। बांग्लादेश को इस समय चाहिए एक्सपोर्ट, अपनी मार्केट बढ़ानी है, तो वो पाकिस्तान में जा नहीं रहा, उसको चाहिए इन्वेस्टमेंट, वो पाकिस्तान कर नहीं रहा, तो इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है आई एम नॉट श्योर, बट हाँ चाइना। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान 1947 में भारत से अलग होने के बाद जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी ने अपने लोगों के साथ जो सलूक किया, और पाकिस्तानी सरकार हमेशा से एक डिक्टेटर के रूप में जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों को दबाती आई है, और खासकर बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेशियों के साथ किया, उसके बाद 1971 आते आते भारत की मदद से बांग्लादेशियों ने पाकिस्तान से छुटकारा पा लिया, और जिस तरह से अभी तक भी बांग्लादेशी भारतीयों को जो अपना भाई मानते हैं, और जिस तरह बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते जो एक नए स्तर पर आए दिन पहुंच रहे हैं, और खासकर अभी जो शेख हसीना भारत के दौरे पर आई है और उन्होंने भारत को जिस तरह थैंक यू कहा है, तो इससे पाकिस्तानियों के घाव एक बार फिर से ताजा हो गए हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान में आज भी ऐसे हालात फिर से बन रहे हैं, और खासकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके इमरान खान ने भी कहा था कि अगर ये फौज बाज नहीं आती है तो अब भी पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान में आज भी तरह तरह की अलग अलग तरह जिस तरह मूवमेंट चल रही है, और जिस तरह बलोचिस्तान में और भी कई सूबों में पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ कोई ना कोई माहौल बना ही रहता है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार, चाहे कोई भी हो, पाकिस्तानी आर्मी हो, हमेशा भारत के अंदरूनी मामलों में झांकने की कोशिश करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, इसी को लेकर हम आपको जो शेख हसीना भारत के दौरे पर आई है और उन्होंने जिस तरह से भारतीयों को थैंक यू कहा है, खासकर इंडियन आर्मी को, तो इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। और मेजर गौरव आ रहे हैं, देखिए पाकिस्तानी मीडिया को जमकर एक से करारे जवाब दिए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। साथ साथ अगर हम बात करें एलओसी की, वहां पे एक बार फिर काफी टाइम के बाद, एक साल से खैर ज्यादा हो गया है, सुनने में यही आया कि फिर एक बार वहां पे गोलियां चली हैं, वायलेशन की गई है, तो किस तरह देखते हैं? साथ एक वो एक आप लोगों ने एक आदमी पकड़ा था जिसको टेररिस्ट बताया जा रहा था, उसकी डेथ भी हो गई है, उसके ऊपर भी जो है पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन गया है, कैसे देखते हैं आप? नहीं कुछ नहीं, उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ, खत्म हो गया वो। कार्डियक अरेस्ट तो किसी को भी, मुझे हो सकता है कल, तो इट कैन हैपन टू एनीबॉडी, इट कैन हैपन टू एनी ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ, व्हाई शुड आई मी और दैट पर्सन एनीबॉडी, क्यों बोले, किसी को भी हो सकता है, उसको हो गया, हो जाता है। देखिए, जिस जो इस दुनिया में आता है उसको दुनिया से जाना है, और पाकिस्तान ऑब्जेक्ट क्यों कर रहा है, पाकिस्तान को तो ये जवाब देना है कि आया कैसे कश्मीर में। भाई ऑब्जेक्ट इसलिए कर रहा है ना पाकिस्तान, क्यों पाकिस्तानी कह रहा है कि साहब ये पाकिस्तानी है, तस्लीम कर रहा है ना पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी है तो बताइए साहब, बिना वीजा के इंडिया कैसे आया है, और जम्मू एंड कश्मीर में क्या कर रहा था ये, इस बात पे, इस पर कोई बात नहीं कर रहा, तो आप बताएं, आप ओनरशिप लें उसकी, और आप बोलें सब ठीक है इंडिया ने किडनैप कर लिया है, आप ये बोलें, कुछ तो बोलें, झूठ सच कुछ तो बोलें, कि ये तो पाकिस्तान में था, इंडियन टीम गई पाकिस्तान के अंदर से इसको किडनैप करके ले आई, कुछ स्टोरी तो सुनाएंगे अलिफ लैला की, कोई तो कहानी सुनाएंगे, हमें कहानी नहीं सुना रहे, कहना गलत हुआ है, गलत हुआ है, ये सब ऐसी आलतू फालतू की चीजें हैं। लेकिन ये तो खैर आपके साइड से पूछना चाहिए ना, फिर गलत हुआ है तो वो बताएं, पाकिस्तान की एम्बेसी बताए या पाकिस्तान की गवर्नमेंट बताए, लेकिन साथ साथ एलओसी पे दोबारा से आप समझते हैं कि टेंशन हो गई है? मुझे लगता है जो वाकया हुआ था, मैं आई एम नॉट श्योर वेदर एलओसी पे हुआ था कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे हुआ था, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता नहीं, आई थिंक ये वन ऑफ केस है, ऐसा होगा नहीं, और अगर ऐसा हो जाता है, अगर एलओसी एक्टिव होती है, तो आरजू जी फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी पाकिस्तान के लिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डीलिंग विद अ लॉट ऑफ मेस ऑन योर वेस्टर्न बॉर्डर्स, बहुत ज्यादा, लेकिन लगता नहीं, लेकिन लगता नहीं कि होगी, क्योंकि बाजवा साहब के होते तो अभी तो फिलहाल वो इस मूड में नहीं लग रहे, इसको फिर एक्टिव किया जाएगा। बाजवा साहब के नहीं, यहाँ पे भी तो लोग मूड है, सिर्फ बाजवा साहब ही थोड़ा ना अलाउड है मूड होना, कि सिर्फ बाजवा साहब ही बोले मेरा ही मूड होगा तब एलओसी एक्टिव हो गया, कल अगर इंडिया का मूड हो गया तो, कल जनरल मनोज पांडे कहते हैं एक्टिव करो यार इसको, जरा थोड़ा सा हरकत में रहो, फिर दिक्कत है ना। तो अभी इंडिया ने सैंक्टिटी मेंटेन कर रखी है, बट आई वॉन्ट की जो इंडिया सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान इस चीज को मेंटेन करके रखे, क्योंकि इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ नहीं है, हमारा बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के साथ नहीं, हमारा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान बीच में सैंडविच हो रखा है, एक तरफ इंडिया एक तरफ अफगानिस्तान, हमने बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल साफ रख रखी है, बिल्कुल क्लियर रख रखी है हमने, कि साहब ये हम यहाँ पे कोई एक्शन नहीं करेंगे,
लेकिन अगर ये एक्टिवेट होता है फॉर व्हाटएवर रीजन, इंडिया ही डिसाइड कर लेता है यूनिलैटरली कि एक्टिवेट करो, या पाकिस्तान कुछ करता है तब इंडिया एक्टिवेट करता है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। देन पाकिस्तान, क्योंकि बीच में फ्लड्स भी आ रखे हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमी डूब रही है, डिप्लोमेसी तितर बितर हो रखी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो कल परसों ही उन्होंने 4-5 बंदे मार दिए, आपके कैप्टन को भी, वजीर क्या नाम था, कुछ नाम था उसका, उसको कैप्टन, एक कैप्टन को मार दिया 4-5 बंदों समेत। तो ये तो रोज हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान डज नॉट नीड मोर प्रॉब्लम्स, ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इस बीच में अगर लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है जी, फिर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी पाकिस्तान का, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चाइना के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं बांग्लादेश में, बांग्लादेश को इस समय चाहिए एक्सपोर्ट, अपनी मार्केट बढ़ानी है, तो वो पाकिस्तान में जा नहीं रहा, उसको चाहिए इन्वेस्टमेंट, वो पाकिस्तान कर नहीं रहा, तो इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ चाइना के साथ है। लेकिन बात यह है ना कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश समझता है कि भारत के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं, जो ट्रेडिशनल ताल्लुकात हैं, हम जबान हैं, वो हमारे जैसे सोचने वाले लोग हैं, वी स्पीक द सेम लैंग्वेज, वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल वो वाला मामला है, और बहुत कम पाकिस्तानियों को पता है कि जो उनका नेशनल एंथम है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जो श्रीलंका का भी लिखा, वैसे उन्होंने भारत श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों का लिखा है, तो बहुत ज्यादा कॉमन बॉन्ड है, कॉमन कल्चर है, स्क्रिप्ट भी एक ही है। जैसे कि पाकिस्तान में जो लिखते हैं पंजाबी, वो उर्दू में लिखते हैं, उर्दू जी, स्क्रिप्ट है, जबकि उर्दू का पंजाबी से दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। उर्दू आई थी उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से, उसका पंजाब से कोई रिश्ता नहीं है दूर दूर तक, स्क्रिप्ट का, मैं स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन जी लिख दिया कि जी। लेकिन बंगाली जो है वो अपनी जो जबान है बंगाली, वो बंगाली में ही लिखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 1500 साल पुरानी जबान है, तो इट्स अ मैच्योर सिविलाइजेशन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। और ये जो है भारत के साथ जो रिलेशनशिप बढ़ाने की बात है अर्जु जी, वो तो मोदी जी के है ही, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तो बोला है कि जो भी हमारी तवज्जो रहेगी फर्स्ट नेबरहुड पे रहेगी, बाहर बाद में जाएंगे हम लोग, तो नेबरहुड पॉलिसी है। तो 9.5 बिलियन के जो सपोर्ट भी एक्सटेंड करा है, 9.5 अरब डॉलर का इंडिया ने, कल मैंने ट्वीट भी करा था उसके बारे में, और काफी चीजें हैं, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स है, और ट्रेड है, कॉमर्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट शेयरिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काफी कुछ में बातचीत हुई है। और अडानी इज गोइंग टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश, तो अडानी एंटरप्राइजेस हैं, वो बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये सब चीजें हैं। काफी एक मुकम्मल किस्म का, काफी कंप्लीट किस्म की रिलेशनशिप है, बट हमारी जो रिलेशनशिप है ना, वो ज्यादातर इट्स अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स, इट्स अबाउट कल्चर, उसमें सिक्योरिटी का मामला है लेकिन बहुत छोटा है। एक 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 नॉर्मल रिलेशनशिप है हमारी बांग्लादेश के साथ, और जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत इसको वैल्यू करते हैं, और हमारे भी, बिकॉज शी इज द डॉटर ऑफ बंगबंधु, शी इज द डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, ये बड़ी बात है, इट्स अ वेरी बिग थिंग दैट शी इज फ्रॉम हिज फैमिली। और भारत में तो शेख मुजीबुर रहमान साहब की बहुत रिस्पेक्ट है, एंड स्पेशली अगर आप वेस्ट बंगाल चले जाएंगे तो ही स्पोकन अबाउट इन वेरी वेरी ऑनरेबल टर्म्स, तो बड़ी इज्जत है उनकी, यहाँ तो बहुत रिस्पेक्ट है। तो हाँ, एक एक कल्चरल कनेक्ट है, और बाकी हमारे और भी टाइज हैं आरजू जी, जो कि और गहरे, मजीद गहरे होते चले जा रहे हैं। लेकिन सर, साथ साथ उनके चाइना से भी बहुत अच्छे टर्म्स हैं, तो जिसके भी चाइना के साथ अच्छे टर्म्स हो जाए, चाहे वो पाकिस्तान हो, तो आप लोगों को थोड़ी सी टेंशन तो हुई होगी कि चाइना के साथ अगर अच्छे उनके ताल्लुकात हैं तो फिर कैसे चलेगा ये मामला आपका और बांग्लादेश का। आरजू जी, ये जो चीज है ना कि हमारे साथ हो सकते हैं तो किसी और के साथ नहीं हो सकते, ये माफ कीजिएगा अगर मैं बात, सॉरी मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपसे, ये टिपिकल पाकिस्तानी वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है, कि क्योंकि अगर हम चाइना के खेमे में चले गए तो हम अमरीका से बातचीत नहीं करेंगे, अगर हम रूस के साथ बैठ गए तो फिर हम इससे बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। बांग्लादेश एक खुद मुख्तार मुल्क है, बांग्लादेश को पूरा हक है, वो चाइना के साथ रिलेशन उसको देखिए, हम लोग भी तो ऐसे कर रहे हैं। एक बात बताइए, कल बांग्लादेश ये बोलेगा कि आप हमारे दोस्त हैं, आप चाइना से क्यों दोस्ती कर रहे हैं, ऐसा तो ना होता है। हमारी चाइना से लड़ाई भी है, हमारी चाइना से ट्रेड भी है, हमारी 125 अरब डॉलर की ट्रेड है। तो ये मैंने कई बार देखा है कि इवन पाकिस्तान में जो डिस्कशन होते हैं ना मीडिया में, कि मतलब कि अगर एक तरफ है तो फिर एक ही तरफ है, वो ये नहीं समझते कि मुल्क का जो
जो मुल्क की फॉरेन पॉलिसी है वो मुल्क का जो फायदा है, जो मफाद है उसमें जाती है, उसको लेके चलती है। वो ऐसे नहीं कि हम चाइना, भारत भारत का सगा है, ठीक है, बांग्लादेश बांग्लादेश का सगा है, हमें चाइना या रशिया या अमेरिका का सगा होने की, हाँ दोस्त है हमारे अच्छे, इसमें कोई शक नहीं है, चाइना के साथ भी जबरदस्त ट्रेड है, अमेरिका के साथ भी ट्रेड है, रशिया के साथ भी हम सब लोग खरीदारी करते रहते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आरजू जी हमें ये समझना पड़ेगा कि वी हैव टू लुक आफ्टर इंडियाज इंटरेस्ट। सिमिलरली बांग्लादेश, हाँ हम बांग्लादेश को ये थोड़ा ना कह सकते कि तुम चाइना से बात मत करो, हाँ इन्फ्लुएंस का झगड़ा रहेगा इंडिया और चाइना के बीच में, और बांग्लादेश के लिए अच्छा है ये, भाई कौन ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, चाइना जाहिर सी बात है हमसे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है क्योंकि हमसे ज्यादा पैसे हैं उसके पास, लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश इज अ कंट्री ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, अकलमंद लोग हैं वहां पे, वो देख रहे हैं कि ठीक है साहब भारत भारत 10 अरब डाल रहा है, चाइना 20 अरब डाल रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, लेकिन जो भारत के 10 अरब है वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, भारत के 10 अरब आप दे सकते हैं वापस, चाइना के 20 अरब आप जिंदगी भर आप। तो देखा होगा पाकिस्तान में तो दोस्तों जिस तरह बलूचिस्तान में बाढ़ आई है उसमें भी पाकिस्तानी आर्मी हेरा फेरी कर रही है और उन लोगों के नाम पर दुनिया भर से फंड इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान को भीख मांगने का कोई ना कोई मौका या बहाना चाहिए, वह पाकिस्तान को मिल चुका है लेकिन उनके नाम पर फंड इकट्ठा किया जा रहा है और उन पर पाकिस्तानी आर्मी बलोचों को लेकर कोई बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। और जिस तरह सिंध में पाकिस्तानी आर्मी को वहां से जो फोटो शूट कर रही थी उनको किस तरह खदेड़ दिया गया था उसके सोशल मीडिया पर आपने खूब वीडियो देखे होंगे। तो दोस्तों अब पाकिस्तान के ज्यादा उम्र बची नहीं है और जिस तरह इमरान खान खुद भी कह रहा है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे आने वाले समय में, इस देश के साथ यही होने वाला है। तो हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।